जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दीवानी कचहरी परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय में 11 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रमवाद, विद्युत एवं जल के बिल से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, सेवानिवृत्त राजस्व मामले, ई चालान से संबंधित मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रचार वाहन जनपद के सभी शहर और गांव में जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करेगा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख अजय अग्रवाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, किसान भाई छोटे वोट क्यों? अरे आपको नहीं पता, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कौन जा रहे हैं फिर भाई साहब? इतनी सुबह सुबह किसान साहब, अरे आपको नहीं पता, एनपीए खातादार किसान भाई छोटे दुकानदार एवं अन्य एनपीए बकायादार अपने पुराने कर्ज रिपोर्ट का लाभ लेने के लिए अंचल प्रबंधक इंडियन बैंक का ये संदेश देना चाहता हूँ कि 11 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये एक सुनहरा मौका है आपसी सहमति से समझौते करने के लिए और इसको विधिक मान्यता भी प्राप्त है। 20 लाख तक के जितने भी मामले हैं उसको जो है उसको सुलझाए। हमने आज जो है यहाँ परिसर से कुछ वाहन भी रवाना किए हैं प्रचार प्रसार के लिए, जो जन जन में इस चीज़ का प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को आयोजित की जा रही है, इस अवसर का लाभ उठाएं। बस सर, ये राष्ट्रीय लोक अदालत कहाँ कहाँ लगे और गाड़ियाँ कहाँ कहाँ लगे? ये समस्त मंडल में, समस्त जिले में जो है ये घूम घूम कर प्रचार करेंगी और जिला एवं मंडल स्तर पर ये राष्ट्रीय लोक अदालत है जो कि आयोजित की जाएगी। इन वाहनों का रवाना करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे गोरखपुर जनपद में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11/9/2021 को जो आयोजित होगी उसका अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके, उसके लिए जो है एक प्रगतिशील विचार के अंतर्गत जो है ये प्रचार वाहन जो है तैयार करके जो है रवाना किए गए हैं। पूरे जो है गोरखपुर जनपद में ये प्रचार प्रसार करेंगे। राष्ट्रीय आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने वाले वाद जैसे कि दीवानी वाद हैं, समनीय प्रकृति के आपराधिक मामले हैं, धारा 138 NI एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर का वाद, श्रम वाद, विद्युत व जल के बिल से संबंधित समनीय वाद, व्यवहारिक पारिवारिक वाद व सेवानिवृत्त के परिलाभों से संबंधित वाद व ई चालानी वाद व MB एक्ट से संबंधित अन्य वाद जो हैं जो समनीय वाद हैं और जो है क्या बोलते हैं जो है प्री लिटिगेशन वाद का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। इस लोक अदालत से दोनों पक्षों के मामले आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण होते हैं। इसमें दोनों पक्षों की विन विन स्थिति होती है।
और लंबित मामले लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सरल, सहज व आपसी सुलह समझौते पर आधारित है।